बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अभिषेक BCA कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड, ए प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन यानी लेंथ ऑफ ए कर्व चैप्टर से है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेजर्ड फ्रॉम द वर्टेक्स टू द वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लैटर डायरेक्शन। तो हमें एक पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसे इक्वेशन नंबर 1 डालने और हमें आर्क की लेंथ निकालना है, तो dy / dx की जरूरत पड़ेगी। अभी हम फिगर बना के भी इसको बता देंगे क्या चीज़ निकालना है, क्वेश्चन को समझा देंगे। पहले इस यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y, और y का डिफ्रेंशिएशन dy / dx हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4a कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो dy / dx की जरूरत होती है, तो 2y से डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी dy / dx के 4a अपान में 2y, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से dy / dx की वैल्यू हमारी आ गई है 2a अपान y, इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क की पैराबोला की जो मेज़र किया जा रहा है वर्टेक्स से। तो यहाँ पर पहले तो इस पैराबोला को हम ट्रेस कर लेते हैं, ये पैराबोला क्योंकि वाई में स्क्वायर है तो एक्सेसिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो एक्सेसिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ओरिजिन से ये पास होगा, और इस पैराबोला बहुत ज़्यादा पहचाना है इसकी, हम लोग जानते हैं कि फोकस होती है ए कमा जीरो, इसकी फोकस होती है, ये वाई एक्सिस इसकी टेंजेंट होती है वर्टेक्स पर, और हमें लेंथ बताना है इस वर्टेक्स से लेके, यानी ये जो पॉइंट है वो वर्टेक्स कहलाता है, ओरिजिन 0,0 वर्टेक्स है, ये पैराबोला का वर्टेक्स है, इसके इधर कोई भी पैराबोला का पार्ट नहीं होता है, और फोकस से वैसे तो कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो कोर्ड होती है, वो कोर्ड जो फोकस से होकर जाती है फोकल कोर्ड कहलाती है, लेकिन ऐसी कोर्ड जो उसकी एक्सिस जिसके चार दोनों तरफ एक जैसा होता है पैराबोला, उस एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर कोई फोकल कोर्ड है तो उससे बोलते हैं लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम LL' से नोट की जाती है, यहाँ पर 90° होता है ये, और इस के चूँकि ये डिस्टेंस ए के बराबर होती है, फोकस के कोऑर्डिनेट 0 हैं, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो ए होता है, और ये जो होती है डिस्टेंस 2a के बराबर होती है, अगर याद कर लें ठीक है, नहीं तो हमारे प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर, नहीं तो l से नोट कर दें और l इसको यहाँ लिख दें, और ये हमें डिस्टेंस को कहा गया कि एक वर्टेक्स से जो लैटस रेक्टम की वन एक्सट्रीमिटी, तो लैटस रेक्टम ये है तो वन एक्सट्रीमिटी, चाहे ये इसे मान लें या इसे मान लें, तो हम इस वाले को मान लेते हैं यहाँ तक, ये डिस्टेंस O से लेके हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, L तक की ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये पता होना चाहिए कि ये इतनी जो डिस्टेंस है किन दो ऑर्डिनेट के बीच में है। तो हम लोग जानते हैं y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, ये ऑर्डिनेट, और ये चूँकि इस लाइन पर x की वैल्यू 1 को लेगी, चाहे हम L को देख लें, S को देख लें, L' को देख लें, यहाँ पर इसमें जो होगी इस लाइन का इक्वेशन होता है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और यहाँ से a डिस्टेंस पर है x इक्वल टू a, तो इस इन दो ऑर्डिनेट के बीच में x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच में ये आर्क जिसको हमें फाइंड करना है वो लाई करती है। बस लिमिट पता हो और dy / dx पता हो, फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, यानी इस आर्क की लेंथ निकालना है, तो required arc OL is equal to this, तो हम लोग जानते हैं इसके लिए फार्मूला होता है आर्क लेंथ का, यानी जो रेक्टिफिकेशन का लेंथ ऑफ द कर्व का स्क्वायर रूट 1 प्लस dy / dx का होल ऑफ स्क्वायर dx, और किन दो के बीच में, इन ऑर्डिनेट के बीच में है तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a के बीच में ये लाई करता है। अब यहाँ पर हम लोग dy / dx की वैल्यू को पुट कर देंगे, dy / dx की वैल्यू कितनी है, ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाली है 2a / में y, उसका होल ऑफ स्क्वायर कर दें, लेकिन ये x में इंटीग्रेट करना है तो y हमें हटाना भी पड़ेगा, 0 टू a स्क्वायर रूट 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और ये dx हो गया। अब अन बंद करते हुए इसमें LCM ले लेंगे, 0 टू a स्क्वायर रूट यहाँ पर y स्क्वायर LCM हो जाएगा तो y स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर हो जाएगा, और हमें यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट भी कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू
को पुट करेंगे वाई स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की वैल्यू है इक्वेशन नंबर वन से 4ax है, ये 4a² है, अपान में भी 4ax वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, dx स्क्वायर रूट के बाहर लिख दीजिए। 4a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेना है और ये एक्स में इंटीग्रेशन करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, और पूरा फंक्शन एक्स में आ चुका है तो हमें अब इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। 4ax dx कुछ सब्सटीट्यूशन रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये 0 to a के बीच में आ गया है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए अपान में एक्स डी एक्स आ गया। तो यहाँ के लिए सब्सटीट्यूशन, चूँकि इसमें सब्सटीट्यूशन ये रखना बेहतर रहेगा, ए 10² थीटा यहाँ पर सब्सटीट्यूशन पुट कर देंगे, फिर डी एक्स रखने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे जाएगी 2 tan थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा। और यहाँ पर लिमिट भी रखना होगी, जब एक्स बराबर ज़ीरो रखेंगे तो एक्स बराबर ज़ीरो रखने पर ये 10² थीटा यानी 0/a करेंगे तो 0 आ जाएगी, इससे थीटा की वैल्यू यानी 10 थीटा की वैल्यू 0 और ये 10 0 की वैल्यू हो के बराबर होती है, इसलिए थीटा बराबर 0 आ जाएगी, तो होगी लोअर लिमिट जब एक्स बराबर 0 रखा। अपर लिमिट जब a रखेंगे तो a बराबर रखने पर ये 10² थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा हम लोग, और 10² हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा, और 1 का रूट जो होता है 1 के इक्वल होता है, और 1 होता है 10 45 यानी 5/4 के इक्वल होता है, थीटा की वैल्यू 5/4 हो जाएगी यहाँ से, थीटा इजिकल टू 5/4 ये अपर लिमिट हो जाएगी। और बाकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो आर्क लेंथ हमें चल रही है, यानी तो रिक्वायर्ड लेंथ आर्क जो की लेंथ चल रही है ओएल वो इक्वल आ जाएगी इंटीग्रेशन। अब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, थीटा की वैल्यू 0 से 5/4 बन चुकी है, और यहाँ पर था स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए था, एक्स प्लस ए अपान एक्स, और एक्स की वैल्यू रखी थी ए 10² थीटा, एक्स प्लस ए था अपान में एक्स था तो ए 10² थीटा। और यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, डी एक्स की वैल्यू है 2a 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये इसकी वैल्यू है। और फिर हमें यहाँ से a को कॉमन ले लेना चाहिए, और ज़ीरो, और यहाँ पर से चूँकि स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा 10 की फार्म में, और ऊपर से हमने a को कॉमन ले लिया तो बचेगा 10² थीटा प्लस का 1 अपान में a 10² थीटा। फिलहाल ये हम अगले स्टेप में करेंगे, 2a 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इससे a से कैंसिल हो गया और ये 1 + 10² sec² के बराबर होता है, ये 0 to π/4 लिमिट है, इस 2a को हम बाहर लिख लेंगे, लिमिट 0 to π/4 है लिमिट, और ये वैल्यू जो होगी 1 + 10² जो होगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है अपान में 10² थीटा है, और बचा है यहाँ पर 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये रूट से बाहर जब ले लिया जाएगा 0 to π/4 तो ये sec थीटा बचेगा अपान में 10 थीटा बचेगा, और 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1/10 की कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू 2a 0 to π/4 sec की पावर 3 हो जाएगी 3 थीटा इंटू डी थीटा। अब इस वैल्यू को हमें निकाल के यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो इसके लिए रिडक्शन फार्मूला का sec का याद है तो b लगा सकते हैं, नहीं तो हम इसको दोबारा जिस तरीके से रिडक्शन फार्मूला प्रूव किया जाता है उसी प्रोसीजर से इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पर, इक्वेशन 1 हुई तो नहीं, 1 हो चुकी है 2 हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 3 डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे, और फिर इसकी वैल्यू को हम इतनी वैल्यू को आई बोल देंगे, ये आर्क चल रही थी हमारी ओएल, और इस वैल्यू को अगर हम आई बोल दें यानी लिमिट 0 to π/4 और सेक की पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा, तो फिर हम इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इस तरीके से करेंगे कि लिमिट 0 से π/4 इस सेक को लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन का कर देंगे डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट फंक्शन सेक थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू 10 थीटा होता है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि 10 थीटा के बराबर होता है इंटू डी थीटा। लिमिट चल रही थी 0 से π/4 तो 0 से π/4 इसकी लिमिट रख देंगे, तो इसमें अपर लिमिट रखेंगे π/4 तो सेक ये π/4 हो जाएगा माइनस 10
पाई बाई फोर अपर लिमिट, मैं लोअर लिमिट में जब हम ज़ीरो रखेंगे तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू तो वन होती है, लेकिन टेन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, माइनस लिमिट ज़ीरो टू पाई बाई फोर, और टेन इंटू टेन टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है जो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये आई के कुल चल रहा है, तो आई इजिकल टू और सेक पाई बाई फोर है, यहाँ पर सेक पाई बाई फोर की वैल्यू होती है, जो कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू अगर याद है आपको, वन अपन रूट टू उसको पलट दीजिए, यानी टू रूट टू अपन वन यानी रूट टू हो जाएगा, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन के बराबर होती है, ये वैल्यू तो ज़ीरो आ चुकी, दूसरी वैल्यू माइनस ज़ीरो टू पाई बाई फोर, जैसे कि अभी बोला था हमने, हम टेन स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे सेक में, यानी टेन स्क्वायर को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, और फिर इसके बाद इस सेक का दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओनली इधर रूट टू बचा है, माइनस लिमिट पाई ज़ीरो टू पाई बाई फोर, अंदर मल्टीप्लाई किया सेक की पावर थ्री थीटा माइनस सेक थीटा इंटू डी थीटा, और इसको इंटीग्रेशन को दो पार्ट दोनों में बांट लेंगे लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, ज़ीरो टू पाई बाई फोर सेक क्यूब थीटा डी थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट ज़ीरो टू पाई बाई फोर सेक थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आई के इक्वल है, आई के इक्वल ये भी चल रही है, तो आई इज इक्वल टू रूट टू माइनस ये आई हो गया, प्लस सेक थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और लिमिट इसकी है ज़ीरो टू पाई बाई फोर है, इस आई को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो इसके लिए रूट टू प्लस इसमें अपर लिमिट लग दी जाएगी, यानी जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर पाई बाई फोर रख देंगे, प्लस टेन पाई बाई फोर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए।